फाइनली रिटेन एसएसवी इंटरव्यू मेडिकल और मेरिट लिस्ट के प्रोसेस को पास करने के बाद जो कैडेट्स एनडीए में सिलेक्शन पा चुके हैं उनको मेंटली मोरली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एनडीए में कैरेक्टर मेकिंग सेल्फ रिलायंस लीडरशिप और सेल्फ डिसिप्लिन जैसी क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है। आपको कुछ इस प्रकार से ट्रेन किया जाएगा ना कि जब आपकी 3 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब आप एक ऑर्डिनरी बॉय से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन ऑफिसर बन जाओगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हम्बलनेस, गुड लुकिंग फिजिक सिविलियंस को काफी प्रभावित करेगी। यकीन मानिए आपका समाज में एक अलग पहचान होगा। आपको सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्टफुल एंगल से देखा जाएगा। कुछ क्या, बहुत कुछ खास है मिलिट्री एनवायरनमेंट में और मिलिट्री के डिसिप्लिन में। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं एनडीए ट्रेनिंग की इस वीडियो को। हमने इस वीडियो को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। इन फर्स्ट पार्ट द बिगनिंग ऑफ एनडीए, इसमें हम एनडीए ज्वाइन करने के जस्ट बाद क्या होगा आपके साथ, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इसको एक्सप्लोर करेंगे। दूसरे पार्ट में हम एनडीए एकेडमिक को जानेंगे। इन नेक्स्ट पार्ट हम एनडीए के को करिकुलर एक्टिविटीज पर एक नज़र डालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कैडेट से ऑफिसर बनने में। फोर्थ पार्ट में हम एटीटी यानी आर्मी ट्रेनिंग टीम के ग्लोरियस ट्रेनिंग को जानेंगे। फिफ्थ पार्ट में हम एनटीटी मींस नेवल ट्रेनिंग टीम को समझेंगे। छठे पार्ट में एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम, सेवंथ पार्ट में ज्वाइंट ट्रेनिंग टीम जिसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स के आपसी तालमेल को बनाने के लिए सभी ट्रेनिंग एक्टिविटीज को समझा जाएगा। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आउटडोर ट्रेनिंग को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें स्पोर्ट्स, गेम्स, हॉबीज, ड्रिल जैसे कई एक्टिविटीज शामिल हैं और कई एडवेंचर्स हैं, हम इन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे आपको समझना होगा, तभी जाकर आप ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस को समझ पाओगे। देन हम सभी ट्रेनिंग एक्टिविटीज को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। नीड ऑफ ऑफिसर्स इन आर्म्ड फोर्सेस एंड व्हाई ट्रेनिंग इज सो टफ। सो देखो, इंडिया ना करेंटली बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स और टेररिज्म एंड चांसेस ऑफ 2 फ्रंट वॉर। इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए भारत माँ की रक्षा के लिए हमारे देश को जरूरत है ऐसे जाबाज ऑफिसर्स की जो इन सभी चैलेंजेस को लीड कर सकें। दैट्स वाई इंडिया को जरूरत है ट्रेंड ऑफिसर्स की, और इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग टफ इसलिए होती है क्योंकि ये फिजिकली, मेंटली और मोरली टफ से टफ सिचुएशन में देश को लीड कर पाएं। चलिए दी बिगनिंग को समझते हैं। जब आप एकेडमी में जाएंगे आफ्टर योर रिकमेंडेशन, तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, फिर आपका मिलिट्री हरकट होगा, आपको एक स्क्वाड्रन अलॉट किया जाएगा, देन एक रूम या कैबिन कह सकते हैं इसका अलॉटमेंट होगा, देन आपको आपका एकेडमिक यूनिफॉर्म मिलेगा। यूनिफॉर्म पे डिटेल्ड वीडियो हम जल्द से जल्द लाएंगे। चलिए देखते हैं एनडीए के एकेडमिक्स को। एज वी ऑल नो कि एनडीए की जो ट्रेनिंग होती है 3 साल की होती है और 2 टर्म पर ईयर होता है। ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपको साइंसेस में, कंप्यूटर साइंस में, सोशल साइंस में और इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा। डिग्री आपको मिलेगा बीए, बीएससी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम जेएनयू जो कि होता है आर्मी कैडेट्स के लिए। बीटेक की जो डिग्री होती है नेवी और एयरफोर्स कैडेट्स के लिए होती है, जिसको मान्यता मिला है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बीटेक प्रोग्राम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा। और एक बात याद रखना आप कि जो बीटेक की जो डिग्री होती है नेवी कैडेट्स के लिए कंपलसेशन होता है, वो कंपलसरी होता है नेवी कैडेट्स के लिए, और एयरफोर्स के लिए कंपलसेशन नहीं होता है बीटेक का। और एयरफोर्स में बीटेक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ड्यूटी के ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाता है, और आर्मी वालों को बीए, बीएससी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिलती है। एनडीए में बीए, बीएससी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस टोटल 3 साल का होता है, और जो बीटेक होता है 4 साल का होता है, और जो बीटेक का 1 साल बचता है वह आपका फिनिशिंग रिस्पेक्टिव एकेडमी से होगा। बीए का जो स्ट्रीम सब्जेक्ट्स है वह है हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। बीएससी में आपको फिजिक्स,
केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। बीटेक में आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। एक नोट करने वाली बात, स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अलावा कैडेट्स को कई कॉमन कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, जिसमें इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेजेस, हिंदी, बेसिक इंजीनियरिंग और सर्विस सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो, नीड के अकॉर्डिंग कैडेट को कई क्रॉस स्ट्रीम सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। एनडीए के को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो यह टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इन एक्टिविटीज में इंटर बटालियन इंग्लिश डिबेट, इंटर बटालियन हिंदी डिबेट, इंटर स्क्वाड्रन पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन, इंटर स्क्वाड्रन क्विज कॉम्पिटिशन, इंग्लिश एंड हिंदी प्लेज एक्सेट्रा जैसी एक्टिविटीज शामिल है। एनडीए में कई सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज भी होती हैं। सो हॉबी क्लब्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एनडीए के को करिकुलर एक्टिविटीज का। हॉबी रिलेटेड एक्टिविटीज को वीडियो के लास्ट में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनडीए एक ट्राई सर्विस एकेडमी है, जहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग होती है। सो आर्मी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए एटीटी यानी आर्मी ट्रेनिंग टीम होती है। एटीटी का काम होता है मॉडर्न डे वारफेयर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आर्मी ट्रेनिंग के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करना है और आर्मी कैडेट्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना होता है थ्रू अ वेल प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड आर्मी ट्रेनिंग करिकुलम। आर्मी कैडेट्स को कुछ इस तरह से ट्रेन किया जाएगा ना कि जिससे वे फ्यूचर बैटल फील्ड्स के लिए मेंटली, मोरली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाएं। आर्मी ट्रेनिंग टीम में लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन, इंड्योरेंस ट्रेनिंग, नेविगेशन ट्रेनिंग, डिस्प्ले ऑफ वेरियस वेपन्स एंड इक्विपमेंट, विजिट्स टू आर्मी इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, फायरिंग, कैंप टर्ना, रेडियो टेलीफोनी, सर्वाइवल ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग, कैमोफ्लैग एंड कंसीलमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ असॉल्ट ऑन एनमी बंकर, पेट्रोलिंग, रेडियो टेलीफोनी एंड नेविगेशन ट्रेनिंग, शूटिंग जैसी कई मेजर एक्टिविटीज को सिखाया जाता है। नेवी वाले कैडेट्स का इंतजार खत्म हुआ है, ठीक है, तो हम अब एंटिटी के बारे में बताने वाले हैं नेवी ट्रेनिंग टीम का। तो एंटिटी का वर्क है नेवी कैडेट्स को नेविगेशन, सीमैनशिप और ब्रिजमैनशिप की बेसिक नॉलेज देना, ठीक है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट में, जिसमें ये कैडेट्स फ्यूचर में नेवी के प्रोफेशनल ट्रेंड ऑफिसर बन सके। एज पर इंक्रीज योर नॉलेज, नेवी के फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म के कैडेट को एंटिटी स्पेशलिस्ट सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जाता है और कैडेट्स को नेवल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क पे भी ध्यान दिया जाता है। कुछ मेजर एक्टिविटीज और ट्रेनिंग एक्टिविटीज की बात करें तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल नेविगेशन, शिप ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, जनरल सीमैनशिप, रूल्स ऑफ रोड ROR, NBCD, टैक्टिक्स, शिप हैंडलिंग सिमुलेटर, चार्ट वर्क, रेलवेल, बोट वर्क, एस्ट्रो नेविगेशन, एंकर वर्क एंड रिगिंग जैसी कुछ मेजर ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं। हे एयरफोर्स ड्रीमर्स, अब हम बात करेंगे AFTT एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम की। AFTT एयरफोर्स कैडेट्स को मिलिट्री, एविएशन एंड एथोस में ट्रेन करता है। एयरफोर्स कैडेट्स को कुछ इस प्रकार से ट्रेन किया जाएगा जिससे वे एयरफोर्स के फ्यूचर विजन को अचीव कर सकें और वे भविष्य में वायुसेना के एम को अचीव कर पाएँ। NDA में एयरफोर्स कैडेट्स को फंडामेंटल्स ऑफ फ्लाइंग, साउंड एयरमैनशिप को डेवलप करना, एयरफोर्स एथोस को लाइफ में एडॉप्ट करना, इंटीग्रिटी, सेल्फ डिसिप्लिन और फोर्थराइटनेस जैसी क्वालिटीज में निपुण होना ही एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम का ऑब्जेक्टिव्स है। फ्लाइंग सुपर डिमोना, जो एक ऑस्ट्रियन ओरिजिन का मल्टी यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, जिसका यूज बेसिकली एयरफोर्स के सिक्स्थ टर्म कैडेट्स को फ्लाइंग की इनिशियल ट्रेनिंग देना है। एयरक्राफ्ट से फ्लाइंग की ट्रेनिंग लेने से पहले उसके मशीन लर्निंग पे फोकस किया जाता है। दैट मीन्स कैडेट्स आर थोरोली फैमिलियराइज्ड विथ देयर मशीन्स। कैडेट्स को फ्लाइंग ट्रेनिंग की सभी एस्पेक्ट्स पे अटेंशन दिया जाता है। एक NDA एयरफोर्स ट्रेनी को टोटल 10 फ्लाई शॉर्टेज पूरी करनी होती है, जो उनका
पार्ट ऑफ द सिलेबस होता है और सुपर डिमोना HK-36TC एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने के अनुभव से यह श्योर होता है कि कैडेट एयरफोर्स एकेडमी में विंग्स अर्न करने में सक्षम है। AFTT 6th टर्म में एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग से पहले 5th टर्म में एविएशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स की लर्निंग कंडक्ट करवाती है, जिसमें एविएशन स्पैनिंग फ्रॉम एरोडायनेमिक्स, एवियोनिक्स, एयरफ्रेम्स, एरोनॉटिकल इंस्ट्रूमेंट, एयरमैनशिप, मेटेओरोलॉजी, एरो इंजन्स, नेविगेशन और एविएशन मेडिसिन जैसे सिलेबस इंक्लूडेड हैं। AFTT में ट्रेनिंग के टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं, पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग, दूसरा ग्राउंड ट्रेनिंग और तीसरा एयर वॉरियर ट्रेनिंग। नाउ अब हम बात करेंगे ज्वाइंट ट्रेनिंग टीम JTT की। तो देखो, JTT यंगेस्ट ट्रेनिंग टीम है NDA में, जो 2007 में बनाया गया था। ATT आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइंट मैनशिप में लीडिंग रोल प्ले करता है। करगिल वार के बाद करगिल रिव्यू कमेटी ने आर्म्ड फोर्सेस विंग्स में ज्वाइंटनेस में कमी महसूस किया, जिसकी वजह से ज्वाइंट ट्रेनिंग टीम का NDA में तीनों सेनाओं के आपसी तालमेल बिठाने में काफी इंपॉर्टेंस रोल है। नाउ हियर इज ए न्यू टर्म इन JTT, ज्वाइंट सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम JSTP। JSTP क्लासेस 1st टर्म से 4th टर्म के कैडेट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें ज्वाइंट मैनशिप एंड मिलिट्री हिस्ट्री, लीडरशिप एंड OLQs, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैप रीडिंग एंड नेविगेशन और एरिया और टेरेन की स्टडी करवाया जाता है। ज्वाइंट ट्रेनिंग टीम आउटडोर कैंप्स कंडक्ट करती है, जिसमें 2nd और 4th टर्म के कैडेट्स को साथ ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ एक्टिविटीज होता है आउटडोर कैंप्स में, जैसे कैंप ग्रीन हॉर्न, कैंप रोवर, जो कि काफ़ी टफ रेजिमेंट ट्रेनिंग से गुजरना होता है। कैंप ग्रीन हॉर्न में मैप रीडिंग स्किल्स की ट्रेनिंग होती है ड्यूरिंग डे टाइम। कैडेट्स को फील्ड सर्विस कंडीशन से अवगत कराया जाता है, ताकि वे बेसिक फील्ड प्रोसीजर को समझ सकें। साथ ही साथ मिलिट्री वारफेयर और लीडरशिप की ट्रेनिंग भी दी जाती है। कैंप रोवर में मैप रीडिंग स्किल्स की ट्रेनिंग होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसमें कैडेट्स को हार्ड फील्ड सर्विस कंडीशंस और सर्वाइवल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बॉन्ड्स फॉर लाइफ, कैंप फायर, कैंप ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, शूट टू किल, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, लर्निंग नेविगेशन विथ कॉम्पास, मैप रीडिंग एंड नेविगेशन, नेविगेशन थ्रू द वुड्स एंड माउंटेन्स ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग, रन बैक सर्वाइवल ट्रेनिंग एंड बर्निंग फायर ट्रेनिंग इन कैमोफ्लैग एंड कंसीलमेंट, शेल्टर मेकिंग, 6 कोर्स मील इन द जंगल, स्नेयर्स एंड ट्रैप्स, स्कॉलर वॉरियर, वाटर द लाइफ लाइन, टेमिंग द कोबरा। ये कुछ मेजर एक्टिविटी हैं जिसे ज्वाइंट ट्रेनिंग टीम में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी कैडेट को साथ में ट्रेनिंग करवाया जाता है। डियर कैंडिडेट्स, इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम आउटडोर ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करेंगे। फॉर्मूला बुक को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।